होंडा का पोर्टेबल जनरेटर है, इसका मॉडल का नाम है EU30IS। ये इन्वर्टर जनरेटर है, इसमें हम एक एसी चला सकते हैं और इसमें हम कूलर चला सकते हैं, ट्यूबे पंखे चला सकते हैं इजी से, चाहे हमारी 1.5 इंची की मोटर हो तो वो भी चला सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम बाय पुली से खींच सकते हैं, इसको ऐसे खींचा जाता है और ये स्टार्ट होता है। जो इसका शोर है बहुत ही कम है, इसको हाथ लगा के ही पता चलता है कि ये स्टार्ट है या नहीं है। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से ऑन बटन का स्विच ऑन करते हैं, इसे उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे गाड़ी का सेल्फ लगता है इसका, वैसे ही सेल्फ लगता है ऐसे स्टार्ट करने से। आउटपुट जो आता है इसका यहाँ से आता है 230 वोल्ट की होती है। ये इको टोटल ये चीज़ है कि जैसे हमारा ये जनरेटर 3 किलोवाट का है, अगर हम इसे 1 किलोवाट का लोड ले रहे हैं तो हम इसको इको टोटल पे कर देंगे, जो इसका RPM है वो 1 किलोवाट के हिसाब से ही चलेगा और जो फ्यूल कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो उसके हिसाब से ही लेगा लोड। और जो ये है डिजिटल मीटर है, इसे हम देख सकते हैं कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, कितना RPM पे चल रहा है और हम इससे कितना लोड ले रहे हैं। जो ये है आउटपुट इंडिकेटर शो करता है कि हमारा आउटपुट आ रहा है ना आ रहा, ओवरलोड है कि अगर हम 3 किलोवाट से ऊपर लोड ले लेते हैं तो ये अलार्म जला देता है। और ऑयल अलर्ट का मीन्स होता है कि अगर हमारे इसके अंदर ऑयल मोबिल ऑयल होता है, अगर वो कम हो जाता है बाई चांस तो ये ऑयल अलर्ट दिया जाता है और ये सिस्टम को बंद कर देता है। ये इंडिया का सबसे छोटा जनरेटर पोर्टेबल में आता है, इसका जो वेट है वो 62 kg है। यह इंडिया में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, जिसका ड्राइव वेट 62 kg है और जो साइज बहुत ही कम्पैक्ट है।